उदयपुर के गोपालपुरा थाना क्षेत्र में एक व्यापारी को धमका कर फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। थाने में दर्ज रिपोर्ट के आधार पर हीराबाग कॉलोनी निवासी पायल जैन ने बताया कि 13 अगस्त की शाम 4 बजे दो कारों में आए कुछ लोग जबरन उनके घर में घुस गए, जिनमें से एक उनके पति रमेश जैन का परिचित सुनील सुहाल का था। सुनील ने बताया कि उसके साथ कांग्रेस के नेता देवकी नंदन काका और गैंगस्टर नरेश आया है। शिष्टाचार नरेश देवकी काका के लिए काम करता है और आपके पति ने काका की बात नहीं मानी तो नरेश आपके पति और परिवार के साथ कुछ भी कर सकता है। व्यापारी की पत्नी ने बताया कि उसने उन लोगों को पति के घर नहीं होने की बात की तो सभी ने उसको धमकाते हुए पति को कॉल करके बात करवाने पर मजबूर किया। फोन लगाने पर देवकी काका ने उसका फोन छीनते हुए पति से कहा कि मेरी बात मान ले नहीं तो पछताएगा। इसके बाद गैंगस्टर नरेश ने भी पति को परिवार सहित जान से मारने की धमकी फोन पर दी। बाद में सभी कार में बैठकर फरार हो गए। एक कार पर कांग्रेस कमेटी भी लिखा हुआ था। सूचना मिली है कि राजसमंद में किसी माइंस का विवाद चल रहा है और इसी वजह से रमेश जैन को यह धमकी मिली है। आपको बता दें कि राजसमंद के पूर्व जिला अध्यक्ष और बड़े उद्योगपति देवकी नंदन गुर्जर उर्फ काका कांग्रेस के बड़े नेता हैं और लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। वहीं पुलिसिया सूत्रों की माने तो जिला स्पेशल टीम ने सुबह ही नरेश को हिरासत में लेकर भोपालपुरा पुलिस को सुपुर्द कर दिया, जहां पूछताछ जारी है।